स्वागत है आपका अपने चैनल डेली में। जी हाँ फ्रेंड, आरआरबी जेई 2018 से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर जी हाँ फ्रेंड देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस भी आप लोग को देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस होने वाले। जी हाँ फ्रेंड, जेई का जो फाइनल पैनलिस्ट आउट हो चुका है, इसमें बहुत से कैंडिडेट ने सिलेक्शन पाया फ्रेंड। इसका जो चीफ पर्सनल ऑफिसर को रिकमेंडेशन लेटर सेंड कर दिया जा चुका है। और फ्रेंड खास बात इस पैनल में ये कि फ्रेंड जो फाइनल कट ऑफ है, इसका फाइनल कट ऑफ भी डिक्लेयर कर दिया। जो फ्रेंड्स स्टैंड बाय कैंडिडेट यानी जो वेटिंग कैंडिडेट, वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट, उनका भी कट ऑफ इसमें पैनल में आप लोगों को देखने को मिला। फ्रेंड जो टेम्प्रेरी अनफिट कैंडिडेट है, उनका भी लिस्ट में नाम आया है, क्योंकि उनको भी जब रेलवे रिक्रूटमेंट जो मेडिकल अथॉरिटी, जब उनको क्लैरिफिकेशन वहाँ से मिले, तो आप लोगों को जो फाइनल पैनल में नाम दिया गया। तो चलिए सारा कुछ डिटेल देख लेते हैं इस ऑफिशियल नोटिस में। इससे पहले फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेके इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपको रेगुलर नोटर मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की ओर। तो ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको रेलवे रिक्रूटमेंट इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, जैसे ही इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो फ्रेंड्स आपको देखिए 10 तारीख की डेट में यानी आज की डेट में आपको तीन अपडेट देखिए देखने को मिले। तीन अपडेट्स देख सकते हैं आप लोग, ये फाइनल पैनल, ये फ्रेंड आपका जो फाइनल कट ऑफ यानी जो जो मतलब मेन कट ऑफ जिस पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, इस पैनल में जगह मिला। फ्रेंड्स ये जो स्टैंड बाय लिस्ट यानी वेटिंग कैंडिडेट को इस लिस्ट में जगह मिली, तो सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं फ्रेंड्स फाइनल प्रोविजनल पैनल, देख सकते हैं फाइनल प्रोविजनल पैनल फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ जेई डीएमएस एंड सीएम अंडर सेन नंबर 0318। उसको डिस्कस करेंगे मेन कट ऑफ पे, उसके बाद भी डिस्कस करेंगे जो स्टैंड बाय यानी वेटिंग कट ऑफ की, वेटिंग कट ऑफ कितने की है। तो चलिए स्टेप बाय सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, जैसा कि मैंने ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर लिया। जी आप देख सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद। नोटिस देखिए किसके रिगार्डिंग नोटिस है, देख सकते हैं फाइनल प्रोविजनल पैनल फॉर द पोस्ट फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ पोस्ट जेई डीएमएस एंड सीएमए अंडर सेन नंबर 0318। तो फ्रेंड चलिए स्टेप बाय स्टेप सारा पॉइंट जो इसको डिस्कस करें। तो पॉइंट नंबर वन में देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के ऊपर की, कंप्यूटर बेस्ड अपने फलाना डेट को या फलाना हुआ, तो सबको चलिए ये करते हुए अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखिए कैंडिडेचर ऑफ ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग इन द फाइनल पैनल इज प्योरली प्रोविजनल, यानी जो जो कैंडिडेचर यानी जो जो इस पैनल में जो कैंडिडेट को जगह मिला, उनका जो है कैंडिडेचर अभी जो प्योरली जो प्रोविजनल बेसिस पर कोई फाइनल नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग को इसके बाद भी और प्रोसेस से गुजरना, यानी एक बार फाइनल चेकअप होगा आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी सारा कुछ मेडिकल सारा कुछ एक बार आप लोग फाइनल चेकअप होगा, उसके बाद ही फाइनल आप लोग को जो लिस्ट में देखने को मिलेगा। द कैंडिडेचर ऑफ फाइनल कैंडिडेट हैव बीन डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट, यानी फ्रेंड्स कुछ कुछ कैंडिडेट जो मेडिकली टेम्प्रेरी अनफिट है, उनका भी इस पैनल में नाम आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं हैज बीन विथहेल्ड, यानी इनको जो पैनल में जगह नहीं मिली, कि इनको टेम्प्रेरी जो अनफिट जब फाइनली जो मेडिकली फिट पाए जाएंगे, जो कि मेडिकल फिटनेस देख सकते हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि इनको एग्जामिनेशन रेलवे हॉस्पिटल से उनको जब मिल जाए, यानी इनका क्लैरिफिकेशन हो जाए कि मेडिकली फिट है, तब इनको जो है इस पैनल में जगह मिलेगा, क्योंकि अभी टेम्प्रेरी मेडिकल अनफिट है तो इनको पैनल से जगह में नहीं मिला, इनको यानी विथहेल्ड अभी कर दिया। देख सकते हैं ये लगभग आप लोगों को 10 कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो टेम्प्रेरी मेडिकली अनफिट, इनको जो पैनल में जगह नहीं मिला है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पे कैंडिडेट का सीरियल नंबर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सीरियल नंबर, रोल नंबर या कैंडिडेट का नाम जो जो टेम्प्रेरी अनफिट है। फिर यहाँ पे फ्रेंड देखिएगा कैंडिडेट या पॉइंट नंबर फोर में, द कैंडिडेचर ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट आर विथहेल्ड, यानी इनका जो है कैंडिडेचर विथहेल्ड कर दिया किस रीजन से, देख सकते हैं जो ओनली आफ्टर गेटिंग क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, इनका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, जो कोई कोई एनओसी नहीं सबमिट किया फ्रेंड्स, कोई कोई अपना जो है बीटेक का डिग्री नहीं सबमिट किया, कोई आपका जो है टेक्निकल डिग्री नहीं सबमिट, कोई कास्ट सर्टिफिकेट, इसी हिसाब से जो है इसका जो कैंडिडेचर जो है विथहेल्ड कर गया। इनको जो एक महीना का टाइम दिया, देख सकते हैं विद इन वन मंथ, यानी एक महीना का टाइम दिया, एक महीना में आपको जो अपना सारा डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर फॉर्मेट में आप लोग को सबमिट करना, और जो जो मतलब एनओसी सब कुछ सबमिट करना या ओबीसी सर्टिफिकेट जो प्रॉपर बनवा को आप लोग को एक महीना के अंदर सबमिट करना था। अगर अथवा एक महीना के अंदर यानी एक महीना के अंदर अगर सबमिट नहीं करता, वो कैंडिडेचर जो टोटली कैंसिल कर दिया जा चुका कर दिया जाएगा विदाउट आपके नोटिस। तो यानी आप लेकर एक महीना समय आप लोग को डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर देगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नंबर, यहाँ कैंडिडेट का रोल नंबर या कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर रीजन दिया है कि किस लिए आप लोग को जो विथहेल्ड किया जाएगा फाइनल पैनल। देख सकते हैं कैंडिडेट का नेम यहाँ देखें रुबाना प्रवीण, जो कि एनओसी नॉट सबमिट यानी एनओसी सर्टिफिकेट जो ये कैंडिडेट सबमिट नहीं किया, इसलिए उनको जो है विथहेल्ड कर दिया फाइनल पैनल। ये कैंडिडेट देखिए बीटेक सर्टिफिकेट जो सबमिट नहीं किया, इनका एनओसी नहीं, इनका एनओसी नहीं, तो सारा कुछ यहाँ पर आप लोग को रीजन देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं कोई को जो है बीटेक से सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया, देखिए एफिडेविट रिक्वेस्ट इनका मदर नेम में कुछ गलत है, तो इनको एफिडेविट सबमिट करना, एफिडेविट ये सबमिट नहीं किया, तो इसी हिसाब से देखिए इनका एसटी सर्टिफिकेट नहीं था, इनका जो देख सकते हो ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट यानी वैलिड जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में था, इसलिए इनको जो है ये कर दिया। इनका देखिए मार्कशीट नहीं है, आशीष कुमार यादव का जो है मार्कशीट
फॉर मतलब चारों सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए था इनका, जो चार सेमेस्टर का मार्कशीट ना इसी हिसाब से इनको जो विथहेल्ड कर दिया है, यहाँ सारा कुछ रीजन किया किस लिए आप लोग को विथहेल्ड किया, यहाँ पे आप लोगों ने रीजन चेक कर सकते हैं किस लिए आप लोग विथहेल्ड किया गया है। फिर देखिए द नेम ऑफ कैंडिडेट फाइनल प्रोविजनल आर बिंग फॉरवर्डेड, यानी जो जो कैंडिडेट्स फाइनल में पैनल में फाइनल जगह पाए तो उनका जो नेम प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे सुविधारगंज प्रयागराज को जो है सेंड कर दिया जा चुका है, और एक पैनल जो है प्रिंसिपल चीफ प्रोफेशनल ऑफिस नॉर्दर्न रेलवे को जो कि सेंड कर दिया जा चुका है, यानी कि सारा कुछ जो यहाँ पे सेंड कर दिया जा चुका है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आप लोगों जो सारा कुछ, फिर यहाँ पे देखिए आप लोगों को पैनल लिस्ट में जगह जो जो कैंडिडेट को मिले यहाँ पे आप लोगों को नाम देखने को मिले, देख सकते हैं। पोस्ट नंबर वन की बात करें तो पोस्ट नंबर वन देखिए एनसीआर यानी जूनियर इंजीनियर ब्रिज में, तो इसमें लोगों को 5 कैंडिडेट को सिलेक्शन मिला है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। वही फ्रेंड बात करें नेक्स्ट कैटेगरी यानी कैटेगरी नंबर टू को देखते तो एनसीआर यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर इन सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, तो इसमें लगभग देख सकते हैं आप लोग रोल नंबर यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे अपना रोल नंबर जो कि 727 यानी 27 कैंडिडेट को इस पैनल में जगह मिले। वहीं फ्रेंड एक कैंडिडेट को जो है विथहेल्ड कर दिया यहाँ पे, उनका रोल नंबर विथहेल्ड कैंडिडेट का यहाँ पे मेंशन किया आप लोग देख सकते हैं। वहीं बात करें सेम पोस्ट का जो कि पोस्ट नंबर टू लेकिन फिर ये डिवीजन है एनआर यानी नॉर्दर्न रेलवे, देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर इन सिविल एंड डिजाइन एस्टिमेशन, तो इसमें देखिए 10 कैंडिडेट का ऐसा है जो पैनल में नाम देखने को मिलेगा। वहीं पोस्ट नंबर थ्री की बात करें जो कि एनसीआर यानी जूनियर इंजीनियर पी में, तो यहाँ पे देखिए लगभग आप लोग को देख सकते हैं कितने कैंडिडेट को लगभग आप लोगों को फ्रेंड देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा ये लगभग 290 ओनली यानी 219 कैंडिडेट को इस पैनल में जगह मिले। वहीं फ्रेंड्स एक कैंडिडेट जो ऐसे इनको विथहेल्ड कर दिया गया इस पैनल से। वहीं बात करें नेक्स्ट पोस्ट की जो कि नेक्स्ट पोस्ट है पोस्ट नंबर थ्री जो कि एनआर यानी जूनियर इंजीनियर पीवे में, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग इसमें भी लगभग फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं 68 यानी 68 कैंडिडेट को जगह मिले। वहीं एक कैंडिडेट को यहाँ पे विथहेल्ड कर दिया जा चुका है। वहीं फिर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी यानी नेक्स्ट कैटेगरी नंबर देखते हैं कैटेगरी नंबर 12 में, तो देख सकते हैं एनसीआर रीजन में जो कि फ्रेंड जूनियर इंजीनियर इन वर्कशॉप, जूनियर इंजीनियर इन वर्कशॉप को देखें यहाँ पर 59 कैंडिडेट को जो है इस पैनल में जगह मिले। वहीं फ्रेंड 4 कैंडिडेट ऐसे यानी 4 कैंडिडेट जो इनको इस पैनल से विथहेल्ड कर दिया जा चुका है। वहीं फिर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी एंड कैटेगरी नंबर 12 का, तो फ्रेंड एनआर रीजन में देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर वर्कशॉप में, तो इसमें देखिए 25 कैंडिडेट को जो इस पैनल में जगह मिला है, 25 कैंडिडेट्स पैनल में जगह मिले। फिर एक कैंडिडेट को जो विथहेल्ड कर दिया जा चुका है। वहीं फिर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी नंबर एंड कैटेगरी नंबर 13 का, तो बात कर सकते देख सकते सिर्फ एक ही कैंडिडेट को जगह मिला। वहीं कैटेगरी नंबर 14 की बात करें तो एनसीआर रीजन से जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन में, इसमें देखिए लगभग इसमें फ्रेंड्स लगभग देख सकते हैं आप लोग को लगभग 161 यानी 161 कैंडिडेट को इस पैनल में जगह मिले। फ्रेंड देख सकते हैं 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पैनल से जो नए में विथहेल्ड कर दिया जा चुका है। बात करें पोस्ट नंबर 15 यानी 15 को देख सकते हैं एनसीआर में, तो जूनियर इंजीनियर कैरेज एंड वैगन का, तो इसमें देखिए आप लोग रोल नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रोल नंबर चेक करने के बाद इसमें देखिए लगभग आप लोग को जो है 114 यानी 114 कैंडिडेट को इसमें पैनल में जगह मिले। फ्रेंड जो है 4 कैंडिडेट ऐसे जिसको पैनल से विथहेल्ड कर दिया जा चुका है कैटेगरी नंबर 15 में। तो इस तरह सारा कैटेगरी नंबर में बताने के फ्रेंड्स काफ़ी वीडियो लंबा जो देख सकते हैं अपना कैटेगरी नंबर यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं किस किस कैटेगरी नंबर में, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं सारा कुछ कैटेगरी नंबर आप लोग यहाँ पे दिया आप लोग चेक कर सकते हैं इसके हिसाब से फ्रेंड्स देख सकते हैं। जैसे कि नीचे स्क्रॉल डाउन हम लोग लास्ट कैटेगरी नंबर पर आएगा तो देख सकते हैं लास्ट जो कैटेगरी नंबर वो है 69 जो कि DLW यानी केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, तो इसमें देखिए लगभग 15 कैंडिडेट को इस पैनल में जगह मिले। वहीं एक कैंडिडेट को जो विथहेल्ड कर दिया जा चुका है। तो ये देखिए लास्ट ऑफ पैनल देख सकते हैं फ्रेंड्स ये आपका 10 यानी आज के डेट में ये पैनल आया देख सकते हैं चेयरमैन आरआरबी इलाहाबाद, तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आरआरबी इलाहाबाद वाले कैंडिडेट के लिए आपके लिए बहुत अच्छी खबर। चले फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि कट ऑफ पे फाइनल कट ऑफ या मेन कट ऑफ कितना रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग जैसा कि मैंने मेन कट ऑफ जो लिस्ट है यानी मेन कट ऑफ का जो लिस्ट यहाँ पर डाउनलोड कर लिया आप लोग चेक कर सकते हैं। देख सकते हो मेन कट ऑफ फ्रेंड कैटेगरी नंबर 1 की बात करो तो कैटेगरी नंबर 1 की बात करें तो कैटेगरी नंबर 1 में देख सकते हैं आप लोग जनरल कैटेगरी में 714 गया। वहीं फ्रेंड्स एससी की बात करें तो एससी में नहीं कोई सीटें थी। फ्रेंड एसटी की बात करें तो 579 और ओबीसी में कोई सीटें आप लोग को कैटेगरी नंबर 1 से नहीं देखने को मिली। वहीं बात करें कैटेगरी नंबर 2 में तो कैटेगरी नंबर 2 में देखिए जनरल कैटेगरी में 696 गए। तो फिर एससी में देख सकते हैं 653, एसटी की बात करें 633, ओबीसी की बात करें 693 आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से सारा कट ऑफ भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर सारा कट ऑफ में बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है फ्रेंड देख सकते हैं मेन कट ऑफ है। फ्रेंड चलिए बात करते हैं यानी स्टैंड वे यानी वेटिंग लिस्ट वाले कट ऑफ यानी कितने नंबर पर जो कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग जैसा कि मैंने स्टैंड बाय लिस्ट का भी कट ऑफ डाउनलोड कर लिया है। देख सकते हैं आप लोग स्टैंड बाय लिस्ट में देख सकते हैं कितने नंबर पर कैंडिडेट को जो स्टैंड बाय लिस्ट में रखा गया है। थोड़ा मैं जूम कर लूँ ताकि आप लोग क्लियरली देख सकें।
देख सकते हैं कैटेगरी नंबर वन की बात करें जो कि एनसीआर यानी कैटेगरी नंबर वन यानी एनसीआर देख सकते हैं, उसमें 629 वाले कैंडिडेट को जो स्टैंड बाय लिस्ट में रखा हुआ है। एसटी की बात करें तो एसटी में देख सकते हो 493 कैंडिडेट जो नंबर लाया उसको जो स्टैंड बाय यानी वेटिंग लिस्ट में रखा गया। वहीं कैटेगरी नंबर टू में देख सकते हैं एनसीआर रीजन में 647 पर वेटिंग लिस्ट है। एससी की बात करें 577, एसटी की बात करें तो 510, ओबीसी की बात करें तो 635। तो इसी हिसाब से अपना स्टैंड बाय लिस्ट भी यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं आप लोग। सारा कुछ यहाँ मेंशन किया, आप लोग क्लियरली यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। सारा कुछ कट ऑफ यहाँ पे आप लोग को कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया कि स्टैंड बाय लिस्ट यानी वेटिंग लिस्ट पे कितने कैंडिडेट को आप लोग को देखने को मिले। देख सकते हैं लास्ट यानी कैटेगरी नंबर 69 की बात करें देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 657 नंबर कैंडिडेट जो नाले वन उसको स्टैंड बाय लिस्ट में रखा गया। फिर एसटी की बात करें एसटी में देख सकते हैं 516, एससी की बात करें तो 483। वहीं फिर बात करें ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में देख सकते हैं 438 जो कैंडिडेट है उसको स्टैंड बाय लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड बस आज के इतने ही, तो फ्रेंड धन्यवाद और नमस्कार फ्रेंड्स।